सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस आखिरकार क्या होता है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मोनो हाइब्रिड से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेंगे। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। देखिए मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस था इसको किसने दिया था, इसको दिया था मेंडल ने। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेंडल के मन में आखिरकार, आपको एक कहानी द्वारा बताऊंगा, मैं कहानी सुनाता हूँ आज आपको, कि मेंडल के मन में आखिरकार क्या हुआ कि उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया, कॉन्सेप्ट दिया, ये थ्योरी दी। तो जो भी है कि क्या हुआ कि मेंडल क्या था, आप सबको मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता होगा कि मेंडल क्या थे, कि मतलब एक चर्च के अंदर काम करते थे, कि एक तरह से बोल सकते हैं वो पादरी थे, चर्च में काम करते थे। तो वो एक दिन क्या थे, उन्होंने चर्च के पास में क्या था, एक गार्डन था। अब वो सीढ़ियों से क्या हो रहे थे, नीचे उतर रहे थे। अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो साइड में थोड़े से मटर के जो प्लांट होते हैं, पी प्लांट, वो पी प्लांट वहां लगे हुए थे। अब उनकी सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम उनकी नजर चली गई वहां पे कि भाई उसको देखा, उन्होंने देखा तो देखा ये सारे के सारे है तो मटर के पौधे, लेकिन इनमें से कुछ क्या है, लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, मतलब कोई हद से ज्यादा लंबा है, कोई हद से ज्यादा छोटा है, कोई मीडियम साइज का है। तो फिर इन्होंने इस चीज को देखा। अभी यही सपोज करो अपन यदि वहां से जाते, अपन मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते, साइड में कोई प्लांट लगा हुआ है, तो अपन क्या देखते, बड़ा है तो है, छोटा है तो है, मीडियम साइज है तो है। लेकिन उन्होंने इस चीज को सोचा कि ये है तो पी का ही प्लांट, है तो मटर का ही पौधा, लेकिन ये क्यों तो लंबा है, क्या रीजन है कि छोटा है, क्या रीजन है कि ये मीडियम रह गया, ऐसे क्या क्या उसके अंदर करेक्टर हो सकते हैं, इस चीज को इन्होंने डिस्कस किया। और फिर इन्होंने बताया मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की संकल्पना कहां से दी गई, कॉन्सेप्ट कहां से दिया गया, कि उन्होंने देखा कि आखिरकार ये क्या है, मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब उन्होंने क्या ले लिया, एक सिंगल करेक्टर से ले लिया। अब वो सिंगल करेक्टर कौन सा लिया, सिंगल करेक्टर मेंडल ने ले लिया, एक तो लंबा पौधा ले लिया, एक बोना पौधा ले लिया, मतलब टॉल ले लिया, एंड्रोफ ले लिया। ओके, अब इन्होंने मेंडल किसने दिया, मेंडल ने दिया, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसके द्वारा दिया गया, ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा दिया गया। किसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने क्या चीज को इंक्लूड किया इसमें, इन्होंने प्लांट की हाइट थी उस हाइट को क्या किया, इंक्लूड किया, इस हाइट को क्या लेके चला, वो लेके चले। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो से मतलब क्या हो गया, सिंगल, हाइब्रिड मतलब एक सिंगल करेक्टर के बीच में उन्होंने क्या कराया, क्रॉस, और सिंगल करेक्टर के रूप में इन्होंने क्या लिया, सिंगल करेक्टर इन्होंने क्या लिया, आपकी हाइट ले ली। हाइट में कौन सा ले लिया, लंबा प्लांट ले लिया, किसका, पी का पौधा ले लिया, एंड पी का कौन सा ले लिया आपका, और पी कौन सी थी, गार्डन पी थी, कौन सी थी, गार्डन पी थी, वो मटर थे। अब देखते हैं इन्होंने लंबे एंड डॉर्फ के अंदर क्या क्या लिया। तो जो टॉल थे उनके अंदर इन्होंने कैपिटल टी, कैपिटल टी ले लिया, जो बोने थे उनके अंदर स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी से इन्होंने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, ये तो क्या थे, प्योर थे, ये तो क्या है, प्योर टॉल है। प्योर का मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों जो एलील होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल वाले होंगे। इम्प्योर ड्रॉफ का मतलब क्या हो गया, इम्प्योर टॉल जिसको अपन बोले, या ये क्या है, देखिए ये तो क्या है, प्योर, प्योर तरीके से क्या है, टॉल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों एलील क्या है, कैपिटल टी है। ये प्योर क्या है, ड्रॉफ है। प्योर क्या है, ये बोना पौधा है। कैसे, स्मॉल टीस के अंदर है, स्मॉल टीस के अंदर है, तो दोनों के दोनों क्या है, प्योर है। लेकिन ये प्योर टॉल है, लंबा है, ये प्योर क्या है, आपका बोना है। अब इन्होंने दो एलील लिया, तो ये वाले तो क्या हो गए, इनके पेरेंट्स हो गए। इन पेरेंट्स से क्या हुआ, दो गेमेट्स बने, कौन सा, कैपिटल टी यहां से स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी। फिर इन्होंने इनके बदले क्या कराया, क्रॉस, जैसा कि था कि मोनो हाइब्रिड सिंगल करेक्टर लेंगे और उन सिंगल करेक्टर्स का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इस टी का क्रॉस जब अपन इस टी से कराते हैं तो ये वाला अपन को देखने को मिलता है कैपिटल टी। याद रखना, जो टी होगा कैपिटल वाला वो हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एंड जो स्मॉल वाला टी होगा वो क्या होगा, हमेशा रिसेसिव होगा। मतलब इसका प्रभाव, इफेक्ट क्या रहेगा, कैपिटल टी का ज्यादा रहेगा, स्मॉल टी का इफेक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो घर में भी आप देखते होंगे, जो बड़ा भाई रहता है उसकी ज्यादा चलती है, छोटा भाई होता है उसकी कम चलती है। तो ठीक ऐसे ही बड़ा हमेशा आगे रहेगा, छोटा वाला हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे किधर से भी अपन ले, बड़ा हमेशा पहले आएगा। ओके, तो कैपिटल टी एंड क्या आ गया, स्मॉल टी। फिर इस टी का इस टी के एलील के साथ में कराया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ गया। फिर इस टी का इसके साथ में कराया तो ये वाला आ गया, और इसका इसके साथ में कराया तो ये वाला आ गया। मतलब जब मेंडल ने ये देखा कि एफ वन जो जनरेशन थी, उस एफ वन जनरेशन के अंदर सारे के सारे क्या थे, इम्प्योर टॉल थे। देखिए हमेशा सबसे सीधी सी बात है कि जो
घर में सबसे बड़ा होगा उसकी सबसे ज्यादा घर में चलेगी। अब यहाँ पे बड़ा क्या है, सब सारी जगह कैपिटल टी आ रहा है, मतलब ये है तो लंबा लेकिन कंप्लीट रूप से लंबा नहीं है। कंप्लीट रूप से लंबा तो ये वाला है जिसके अंदर क्या होंगे, दोनों के दोनों एलील क्या होंगे, कैपिटल टी होगी। लेकिन यहाँ एक एलील कैपिटल में आ रहा है, एक एलील क्या आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है। तो ये F1 जनरेशन जो मेंडल ने देखी, इसके अंदर सारे के सारे क्या थे, इम्प्योर टोल थे। सारे के सारे क्या थे, इम्प्योर टोल इन्होंने देखा। फिर मेंडल ने क्या किया, देखा कि इम्प्योर टोल, तो इसका जो फिनोटाइप आपसे पूछ लिया जाए कि F1 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन थी उस F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या आया। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, बाहर से देखने में कैसे लग रहे हैं। तो बाहर से देखने में आपको सारे के सारे क्या लग रहे हैं, लंबे लग रहे हैं, क्योंकि टी क्या है यहाँ पे, प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो सारे के सारे क्या होंगे, फिनोटाइप में क्या आया, सारे के सारे क्या थे, लंबे थे, टोल थे। फिर जीनोटाइप की अपन बात करें तो जीनोटाइप इन्होंने देखा, तो जीनोटाइप मतलब अब अंदर से अपन देखेंगे, अंदर से यदि अपन देख रहे हैं तो एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक क्या है, स्मॉल है। मतलब जीनोटाइप इनका क्या होगा, एक कैपिटल होगा और एक क्या होगा, स्मॉल, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मतलब इम्प्योर क्या होंगे, जो टॉल प्लांट होंगे वो क्या होगा, जीनोटाइप होगा, फिनोटाइप क्या होगा, सारे के सारे लंबे होंगे। अब मेंडल ने क्या किया कि जो F1 जनरेशन थी, इस F1 जनरेशन में क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, मतलब सेल्फ फर्टिलाइज कराया, इनको आपस में निषेचन करवाया। तो अब ये क्या बन गए, जो चाइल्ड थे अब F1 जनरेशन के अंदर, ये क्या बन गए, अब पेरेंट्स बन गए। तो यहाँ पे सेम दो के दो एक कनेक्टर ले लिया, दोनों के दोनों के बीच में क्या करा दिया अपन ने, क्रॉस। यहाँ इनके बीच में क्या कराया था अपन ने, क्रॉस कराया था। अब जब ये क्या है, पेरेंट्स, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब इनके अपन एलील लेंगे तो इसका एलील कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इसका एलील कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ये तो क्या थे, पेरेंट्स थे, ये क्या थे, इसके गेमेट्स थे। अब इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। अब ठीक ऐसे क्रॉस कराएंगे तो देखिए ये कितना अजीब सा लग रहा है कि आपस में क्या हो गए, क्रॉस हो गए। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, पुनेट स्क्वायर, पुनेट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक बॉक्स के अंदर फिट कर दिया, क्या कर दिया, एक बॉक्स में फिट कर दिया, इसलिए इसको पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। इस पर इतना ध्यान नहीं देना, बस आपसे पूछ लिया जाए पुनेट स्क्वायर क्या था, तो पुनेट स्क्वायर के रूप में आप पूछ लिया जाए कि पुनेट स्क्वायर के रूप में आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है, तो आपको बस ये डब्बा बनाना और डब्बे में ऐसे ड्रॉ कर देना, इस तरह से नहीं बनाना है। तो फिर इन्होंने F1 जो 2 जनरेशन थी, इनके बीच में जब सेल्फ पोलिनाइजेशन कराया, किनके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, तो क्या हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ में कराया तो दोनों के दोनों क्या आ गए, कैपिटल टी आ गए। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में कराया तो एक कैपिटल टी आ गया, एक क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया। ठीक ऐसे ही इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ में कराया, तो अब आप क्या करोगे कि भाई कैपिटल स्मॉल टी है तो स्मॉल टी को पहले लिख दिया फिर कैपिटल टी को बाद में लिख दिया, नहीं, मैंने आपको बताया था कि घर में जो बड़ा होगा उसी की चलेगी। तो सबसे पहले चाहे छोटे वाले ने चाहे कितना भी अच्छा काम किया हो, हमेशा फल किसको मिलेगा, बड़े भाई को मिलेगा। तो ठीक ऐसे ही कैपिटल टी पहले आएगा, स्मॉल टी बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल टी थी तो क्या है आपका, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, इसकी कम चलेगी। तो ये क्या आ गया, कैपिटल टी पहले आ गया, स्मॉल टी बाद में आ गया। फिर इस टी का इस टी के साथ में कराया तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ गया। ये क्या थी, आपकी F2 जनरेशन थी। जब इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखा तो देखिए ये कैपिटल दोनों के दोनों टी है, मतलब ये क्या है, प्योर लंबाई, क्या है, प्योर लंबाई। इन दोनों को देखा तो ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब ये इम्प्योर लंबे हैं, जैसे कि अपन ने यहां बात की थी F1 जनरेशन में, ये क्या है, इम्प्योर लंबे हैं, और ये क्या है आपका, प्योर बोना है, ट्रॉफ है। ओके, अब इसका फिनोटाइप अपन ने देखा तो बाहर से देखने में क्या पता चल रहा है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, मतलब बाहर से देखने में अपन को पता चल रहा है कि सारे के सारे क्या है, लंबे। तो फिनोटाइप में क्या आ गया, 3:1 आ गया। 3 का मतलब तो है सारे के सारे क्या है, लंबे। यहाँ पे जो 3 है, इस 3 का मतलब है टॉल, कि सारे के सारे क्या है, लंबे हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये क्या है आपका, ड्वार्फ, ये क्या है आपका, ड्वार्फ है, बोना है। तो एक क्या है यहाँ पे, बोना है, ये बाहर से देखने में पता चल रहा है, फिनोटाइप। अब जीनोटाइप अंदर से देखें, अब इनको अंदर से देखें तो ये दोनों के दोनों क्या है आपके, सेम है, ये दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीनोटाइप में 1 आ गया। ये दोनों के दोनों देखने में क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, इनके जीन क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 2 एलील कैपिटल टी के, यहाँ पे 2 एलील, एक कैपिटल टी का एलील है, एक स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रेशियो 2 आ गया। और ये दोनों के दोनों आपके क्या आ गए, अपने अपने एलील क्या है, सेम, जैसा कि अपने बात किया था। तो ये क्या आ गया, 1। तो जीनोटाइप क्या आ गया, 1:2:1। यहाँ पे 1 तो क्या है, स्मॉल क्या है, टॉल है, प्योर टॉल है। 2 क्या है यहाँ पे,
क्या है, इम्प्योर टोल है, एंड ए क्या है यहाँ पे, क्या है आपका प्योर डोर्फ है। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।